औरतों से कयामत में सबसे पहले क्या सवाल होगा? इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम है, हज़रत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन औरतों से सबसे पहले नमाज के मुतालिक सवाल किया जाएगा कि पाबंदी के साथ वक्त पर अदा किया था कि नहीं। फिर शोहर के मुतालिक सवाल होगा कि उसके साथ कैसा बर्ताव किया था। इस हदीस के फ़ायदे में लिखते हैं, हशर का मैदान जो कल्ब व जिगर को पिघला देने वाला होगा, उसमें आम मुसलमानों से ख्वाह मर्द हो या औरत सबसे पहला सवाल नमाज के मुतालिक होगा। क़यामत के दिन जो जान को पिघला देने वाला होगा, इस दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। हज़रत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, क़यामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, अगर ये सही निकला तो दूसरे आमाल भी सही निकलेंगे, अगर इसमें गड़बड़ हुई तो दूसरे आमाल में भी गड़बड़ ही होगी। औरतें नमाज में भी कोताही करती है। नई उम्र की जवान औरतें अक्सर तारक नमाज होती हैं, कुछ तो बहाना बनाती हैं, बच्चों का पेशाब कपड़े में लगा रहता है। अफसोस के ये सब बहाने क़यामत में नहीं चलेंगे, जब सज़ा मिलेगी तब पता चल जाएगा। इसलिए औरतों को चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें। घर की बड़ी औरतों को चाहिए कि छोटी उम्र ही से पाबंद सलात बनाएं। शुरू उम्र की आदत और पाबंदी का असर पूरी उम्र बाकी रहता है। फ़राइज शरिया के मुताबिक औरतों से शोहर के हुकूक और उनकी खिदमत के बारे में सवाल होगा। आजकल के दौर की वो औरतें जो मुलाजमत करती हैं, ऑफिस दफ्तर वगैरह में काम करती हैं, वो शोहर की खिदमत में कोताह होती हैं, हत्ता कि ऐसी औरतों से खाने तक की सहूलत नहीं मिलती। ऐसी कोताही कल क़यामत में काबिल गिरफ्त होगी। अल्लाह पाक हम सबको इस हदीस को समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।